नमस्कार साथियों, अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। यहां पर साथियों हम जो आपका इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी है, परिचयात्मक जीव विज्ञान BSc AG का कोर्स, ठीक है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का अल्टरनेटिव कोर्स है, तो उसका जो है हम आपको जो टॉपिक है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन सेल एंड सेल डिवीजन, उसका ऑलरेडी एक लेक्चर प्रोवाइड करा चुके हैं। आज उस टॉपिक का सेकेंड लेक्चर है, ठीक है, दूसरा पार्ट है। तो उस लेक्चर में हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन देख लिया था। आज से हम सेल स्टार्ट कर रहे हैं कोशिका के बारे में, ठीक है। इस वीडियो में हम सेल देखेंगे और उसका कुछ जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसकी अगली वीडियो में सेल ऑर्गेनेल देखेंगे, उसकी अगली वीडियो में हम जो है सेल डिवीजन देखेंगे। तो यहाँ पर आपकी सारी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर सेल को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जीवन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, यानी द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड सेल, या कह सकते हैं कि जीवन की आधारीय क्रियात्मक संरचनात्मक, यानी बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ, ठीक है। देखिए सेल का जो मतलब टेक्निकल टर्म इसको साइटो बोल सकते हैं, और इसका जो अध्ययन होता है साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहते हैं। देखिए पूछा जाता है कोशिका की खोज किसने की, तो देखिए कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने 1665 में की थी, लेकिन उन्होंने डेड सेल की खोज की थी, मृत कोशिका की, ठीक है, और लकड़ी का टुकड़ा था जिसका नाम था कॉर्क सेल, ठीक है। जीवित कोशिका की खोज एक और साइंटिस्ट आए करने के लिए, तो उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने 1674 में जीवित कोशिका की खोज की। जो सेल थ्योरी है, कोशिका सिद्धांत है, वो थियोडोर स्लाइडेन और जैकब स्वान ने दिया था। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है, सबसे बड़ी कोशिका जो ऑस्ट्रिच होता है, शुतुरमुर्ग होता है, उसके अंडे की होती है। मानव में सबसे छोटी कोशिका जो नर का शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, उसकी होती है, और मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो फीमेल का ओवम होता है, ठीक है, उसकी होती है, अंडाणु की, ठीक है। उसके बाद से मानव में सबसे लंबी कोशिका जो हमारे दिमाग में पाई जाती है, न्यूरॉन सेल, वो होती है, और डिवीजन लेस सेल भी यही है, न्यूरॉन कोशिका, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद से सबसे ज़्यादा सबसे तेज विभाजन लीवर में होता है, ठीक है आपके। और देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक दिखाया हुआ है, देखिए जैसे क्या होता है यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको समझना चाहिए। जैसे सबसे पहले क्या हुआ, इसको मैं थोड़ा सा, हाँ देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ईंट की ज़रूरत पड़ी, तो कई ईंट मिल के दीवार बना दी आपने, फिर दीवार कई को मिली तो कमरा बन गया, कई को कमरा मिला तो घर बन गया, इसी प्रकार से कई कोशिका मिलेगी, यानी वन सेकेंड, देखिए यहाँ पर हमने सेल टिश्यू ऑर्गन और यहाँ पर बॉडी इस प्रकार से लिखा है, तो कई कोशिका मिलेगी इसी प्रकार से तो ऊतक बनेगा, कई ऊतक मिलेंगे तो अंग बनेगा, और कई अंग यानी ऑर्गन मिलेंगे तो शरीर यानी बॉडी बनेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर कोशिका के प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेल के बारे में, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कोशिका दो प्रकार की होती है, पहला है यूनी सेलुलर यानी एक कोशिकीय, और दूसरा है मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय। नामी में यूनी मतलब एक, मल्टी मतलब ज़्यादा, ठीक है, इस प्रकार से होती है यूनी सेलुलर। इसके एग्जांपल में जो आपका मोनेरा जगत है वो आ जाएगा, जैसे बैक्टीरिया एल्गी, और प्रोटिस्टा भी इसी में आ जाएगा, जैसे यूग्लिना अमीबा और पैरामीसियम, ठीक है। और मल्टी सेलुलर में जो हम लोग हैं या पौधे हैं या फंगस हैं वो आ जाएंगे, जैसे जंतु, पौधा, कवक यानी एनिमल, प्लांट और फंगस, ठीक है। यहाँ पर देखिए केंद्रक या न्यूक्लियस के आधार पर भी दो प्रकार की होती हैं, एक है प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में पुराना केंद्रक होता है, प्रो मतलब पुराना, और यूकैरियोटिक में नया केंद्रक होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक यहाँ पर देखेंगे तो ये आरंभिक कोशिका है, केवल मनुष्य अंग मतलब यहाँ पर होते हैं, अविकसित होती है ये, यानी डेवलप नहीं होती है अच्छी तरह से, और ये सिर्फ जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी हैं उसमें पाई जाती है। और दूसरा यूकैरियोटिक के बारे में देखेंगे तो ये अभी जो हम लोग हैं या प्लांट हैं उसमें पाई जाती है, इसमें एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों होती हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कुछ अंतर देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि प्रोकैरियोटिक, चूंकि हम आपको बता चुके हैं बड़ी होती है, और प्रोकैरियोटिक छोटी होती है, यूकैरियोटिक बड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक हम आपको बता चुके हैं अविकसित होती है, तथा इसमें जो केंद्रक है वो ढका हुआ नहीं होता है, जबकि हमारी यूकैरियोटिक में ये विकसित भी होगी अच्छी तरीके से, और इसका न्यूक्लियस भी डेवलप होगा। सेल वॉल जो है प्रोकैरियोटिक में पेप्टिडोग्लाइकेन की पाई जाती है,
और हम लोगों में यूकैरियोटिक में सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की होती है, श्वसन जो है वो प्रोकैरियोटिक में प्रोटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य के द्वारा होता है, और यूकैरियोटिक में माइटोकांड्रिया के द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक 70 एस पाया जाता है, यूकैरियोटिक में 80 एस। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशियंट, ठीक है, अवसादन गुणांक, ये बात ध्यान में रखेंगे। उसके बाद से समानताएं देखेंगे, तो देखिए प्रोकैरियोटिक जो है और यूकैरियोटिक जो है दोनों में सीलिया फ्लैजिला ये लोकोमोटरी आर्गन है, यानी ये चलने में मदद करते हैं। डीएनए दोनों में पाया जाता है, दोनों में प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, दोनों में फोटोसिंथेसिस होता है। अब आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई फोटोसिंथेसिस मैं बता रहा हूँ दोनों में होता है, तो इसका मतलब है कि अब यूकैरियोटिक में भाई मनुष्य भी है, मनुष्य थोड़ी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये बात नहीं है। अब प्रोकैरियोटिक के मान रहा हूँ एनिमल वाले में नहीं होगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक का जो प्लांट सेल है उसमें तो होगा, इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण दोनों में होता है। दोनों में यहाँ पर कोशिका भित्ति पाई जाती है, दोनों में राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है, राइबोसोम यानी प्रोटीन फैक्ट्री। वो हम आगे अभी सेल ऑर्गेनेल अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद से देखिए आप लोग क्या है, डीएनए के बारे में देखेंगे, तो हाँ पहले इसका पहले हम इसका कुछ चीज़ें देखेंगे उसके बाद से क्या, ठीक है, पहले क्लासिफिकेशन ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर आप लोग डीएनए ये सबसे पहले दो प्रकार का होता है, पहला है यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड और दूसरा होता है यहाँ पर देखिए फास्फेट, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड में आपका क्या क्या सुगर आ जाएगा और नाइट्रो बेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से सुगर में आपका राइबोज आ जाएगा और डाई नहीं है, ये डी ऑक्सी है, ये डी ई है, डी ऑक्सी राइबोज आ जाएगा, ठीक है। नाइट्रो बेस में एजीटीसी आएगा, एजीटीसी का क्या मतलब है, एजी जो है प्यूरिन होगा, टीसी पिरिमिडिन होगा, ए मतलब है एडिनिन, जी मतलब है ग्वानिन, टी मतलब है थाइमिन, और सी मतलब है साइटोसिन, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए डीएनए के एक टर्म यानी जो एक फेरा होता है उसकी लंबाई यहाँ पर 34 एंगस्ट्रम होती है। डीएनए के एक टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड की जो दूरी है 3.4 एंगस्ट्रम होती है। डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड होती है, और ये जो डबल स्टैंडर्ड डबल हेलिक्स मॉडल इसको बोलते हैं, तो वो वाटसन और क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने किया था। एडनिन तथा थायमिन में डबल हाइड्रोजन बांड होते हैं, ग्वानिन तथा साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बांड होते हैं। यहाँ पर ट्रिक देखिए, ए डबल बॉन्ड टी, जी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आरएनए के बारे में आप देखेंगे, राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसको बोलते हैं, डीएनए को डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो आप इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम आउट करूँगा पहले, ठीक है। देखिए यहाँ पर आरएनए यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड के बारे में देखेंगे, तो इसकी देखिए हमने डीएनए का देखा डबल स्टैंड होती है जबकि आरएनए का सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है, और इसमें जो है नाइट्रोजनस बेस में एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन पाया जाता है, किंतु थायमिन के स्थान पर यूरेसिल। देखिए पूछा जाता है कि आरएनए में क्या होता है और डीएनए में क्या होता है, चूंकि आपको पता है एडिनिन ग्वानिन और थायमिन होता है, लेकिन ठीक है थायमिन के स्थान पर जो है देखिए एडिनिन ग्वानिन और साइटोसिन पाया ही जाएगा आरएनए में, लेकिन उसमें थायमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाएगा। तो इसका मैं ट्रिक आपको बताता हूँ, आरएनए यूरेसिल आरयू याद करेंगे, ठीक है, बाकी जो बच गया आपका थायमिन वो तो डीएनए में, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, यह प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण में सहायक है और तीन प्रकार का आरएनए होता है, ठीक है। देखिए mRNA जिसको मैसेंजर RNA बोलते हैं, tRNA को ट्रांसफर RNA और rRNA को जो है यहाँ पर आपको बोला जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे rRNA। वन सेकेंड, देखिए यहाँ पर फिर क्या लिखा हुआ है, मैसेंजर RNA के बारे में देखेंगे, तो यह आवश्यक अमीनो अम्लों की पहचान कर उन्हें क्रम में सजा देता है। ट्रांसफर RNA जो है अमीनो अम्लों का परिवहन स्थान, चूंकि नाम ही है ट्रांसफर तो ट्रांसफर करेगा, परिवहन स्थानांतरण कर राइबोसोम तक ले आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर राइबोसोम, देखिए आरआरएनए का मतलब है राइबोसोम आरएनए, तो इसमें प्रोटीन निर्माण, देखिए जहाँ पर राइबोसोम आ गया तो आप जान लीजिए वहाँ पर प्रोटीन बन रहा है, ठीक है, ये प्रोटीन निर्माण करता है। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, पूछा जाता है ध्यान में रखेंगे, और आरएनए से फिर वापस डीएनए बनना रिवर्स, चूंकि देखिए अब डीएनए से आरएनए बना तो ट्रांसक्रिप्शन है, अब यही उल्टा हो गया, आरएनए से फिर डीएनए हो गया, तो
रिवर्स प्रक्रिया चल गई, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया। फिर आरएनए से प्रोटीन बना ट्रांसलेशन कहलाता है, और डीएनए से डीएनए बना रिप्ली। ठीक है, अब चूंकि रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन इसको बोलते हैं, डीएनए से बना, चूंकि डीएनए है उससे डीएनए ही बन रहा है, कोई अलग चीज नहीं बन रही है, तो डुप्लीकेट बन गया, डुप्लीकेट हो गया, रेप्लिकेट हो गया, तो वो रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आज का जो लेक्चर है सेल का, हमने जनरल इंट्रोडक्शन, उसका टाइप, डीएनए आरएनए सब कुछ देख लिया है। अब अगले वीडियो में हम कोशिकांग देखेंगे, सेल ऑर्गेनेल, जो भी माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी है, न्यूक्लियस वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कोशिश, मैं मतलब आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चूंकि जो मेरा नोट्स है बीएससी जी फर्स्ट सेमेस्टर का, इसके पीडीएफ के लिए ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे अभी मैं अपलोड करूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप पीडीएफ से अपने नोट्स अच्छे तरीके से बना सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस बार न्यूज़पेपर में आया था कि आपके जो एग्जाम्स हैं, जो विषम सेमेस्टर है, 1, 3, 5, 7 इस प्रकार के, तो इनका थ्योरिटिकल पेपर होगा, ठीक है, वर्णनात्मक होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। अब व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन करेंगे और वहाँ से आप अपनी क्वेरीज हमसे पूछ के सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखें। जुड़े रहेंगे एग्री थिंकर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।